सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमारे ताल्लुक को किसी रस्सी की जरूरत नहीं पाशा, हमने हमेशा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपको भी एक दोस्त की हैसियत से हमारा हाथ मजबूती से थामना चाहिए। अब्दुल हमीद, आपका इंतखाब करेगा या फिर दीवाने अमूमिया के कर्ज का? अगर आप हमारे दोस्त हैं तो हमारे दूसरे दोस्त को तलाश कीजिए। यह कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक दोस्त की दरखास्त है। जिन्होंने आपसे राब्ता किया उनका मुतालबा क्या था? वो चाहते हैं कि हम इन दोनों जवानों पर हुकूमत की तरफ से दबाव डालें। एक तरफ रियासत और दूसरी तरफ दोस्त। आह तहसीन पाशा, कोई रास्ता निकालना होगा। कमांडर, मुझे लगता है कि आया सोफिया की सुरंगों को इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी रास्ता भटक जाए। अगर आप समझते हैं कि आप कामयाब नहीं होंगे तो हम कोई और बंदोबस्त कर लेते हैं। मैं कोई सवाल किए बगैर उस फर्ज को पूरा करूंगा जो मुझे सौंपा गया है। आप हवेली फरोख मत कीजिए नाइमेबाजी। अगर चचा जान को मालूम हुआ तो बहुत गुस्सा होंगे। अगर उन्हें हमारा मालूम हो गया तो वो हमसे भी खफा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, डरे मत। जब हम नाइमे सुल्तान के कमरे में गए तो उनके हाथ में कुछ कागजात थे। हमें देखते ही वो उन्हें जल्दी से छुपाने लगी, लेकिन वो उनके हाथ से छूट गए और वो हवेली के कागजात थे। अगर बंदरगाहों से नकलो हमल ना हो तो सामान को जखीरा करने के अखराजात, जहाजों के अखराजात और बरतानिया में ताजरों के नुकसान इतनी भारी मकदार में होंगे कि वो इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो फिर जल्द ही इकदाम करना होगा। कुछ मामलात के बारे में मुझे कुछ लोगों से हिसाब लेना है नादिर साहब, लेकिन मैं जिम्मेदार फरीकैन को तलाश नहीं कर पा रहा। कोई नहीं जानता कि वो तहसीन पाशा को लेकर कहां गए हैं। कुछ भी मालूमात नहीं है। हमने उनको खुफिया टेलीग्राम के जरिए हुक्म भेज दिया है सुल्तान मौसम। हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों ने बंदरगाहों पर काम करना बंद कर दिया है। सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। तो फिर ये मुआहदा तय पाया, अगर मतलूबा फैसला नहीं होता तो नुकसान की तलाफी उस्मानी करेंगे। दीवाने उमूमिया का फैसला हमारे ही हक में होगा। बेफिक्र रहिए, वो जल्द फरोख्त हो जाएगी। इस बात का आपको इस कदर यकीन कैसे है? क्योंकि मैं उसे खरीदूंगा। क्या? इमसाल खात्मा महल से निकलकर पहरा गई थी शहजादी। अच्छा, और क्या किया उन्होंने पहरा में? एक खातून से मिली वो, उन्होंने गुजरते हुए उससे बात की। उस औरत को एक लिफाफा भी दिया। लिफाफा? जी। फिर वो कुछ दुकानों पर गई लेकिन कुछ खरीदा नहीं, बस दुकानों पर गई और वापस आ गई।
वो आखिर कर क्या रही हैं? आप उनका ताकुब जारी रखिए, जल्दी मालूम हो जाएगा कि उनके मकासद क्या हैं। अब्दुल हमीद बहुत पूरे अतमाद है और इस बात ने मुझे इंतहा से ज्यादा बेसकून कर दिया। तहसीन पाशा हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि वो कमेटी के अरकान के साथ कोई मुआहदा करेगा। जल्द ही उसे अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि वो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता। इलावा अजी उसके आसपास जितने भी लोग हैं, हम उन सब पर जल्द ही काबू पा लेंगे। वो खुद भी जानता है कि वो तन्हा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरा एतमाद है। मैं नहीं जानता कि उसका क्या मंसूबा है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने मंसूबे को जल्द अज जल्द कामयाब करें। बेफिक्र रहिए जनाब कसल, हमारे साथ ही संभाल लेंगे सब कुछ। बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा मैं कुछ और सुनना भी नहीं चाहता। जब आप उन दो अरकान के बच्चों को मार्सिली के जहाज पर चढ़ा देंगे, तो फिर वो अरकान हमारी मुट्ठी में होंगे, और इसके लिए आपको देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी कीजिए। शुक्रिया, बैठ जाइए। आप सबको इतना पुरजोश देखकर खुशी होती है, लेकिन इन मुलाकातों के कुछ पहलू मुझे खौफजदा कर देते हैं। मुझे डर है कि मेरी आकबत भी नामी कमाल जैसी होगी। डर है कि हमारी इन मुलाकातों में खलल डाला जाएगा। मैंने अदब में नामी को हमेशा एक मिसाल के तौर पर देखा है, और अब लगता है जिसकी मिसाल मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ, मेरा अंजाम भी बिल्कुल उसी की तरह ही होगा। हम जब भी आपकी नज़में पढ़ते हैं तो वो हमारे दिलों को नई उम्मीद बख्शती है इस्माइल साहब। अगर आप जैसे शायर ना उम्मीदी का शिकार हो गए तो हम अंधेरों में डूब जाएंगे। हम ना उम्मीद नहीं होंगे इंशाल्लाह। क्या आप हमें अपनी कोई नज़म सुनाएंगे? हर हाथ मिलाने वाले को हम राज समझते हो, हर तख्त सजाने वाले को एजाज समझते हो। मुल्ला की आजान और मुजाहिद की आजान और कारगज की ऊंची उड़ान को परवाज समझते हो। हर मुस्कुराहट के पीछे 100 दुख छुपाता है इंसान, हर खुशगवार चेहरे को सरफराज समझते हो। कूच लाजिम है हर बशर का इस फानी जहां से, गाफिल तुम क्या खुद को मुतागैर व मुमताज समझते हो। ईमान जुर्रत इस्तिकामत है शहादत के अज्जा, तुम गदर में साब मरने वालों को जाबाज समझते हो। दूर नहीं वो दिन जब इनकलाब का सूरज तुलू होगा। ये क्या हो गया, ये अपने सिपाही इस तरह से अंदर क्यों आ गए? अपनी शनाख्त दिखाओ हमें। अहमद इस्माइल, तुम सबको मोहतात रहना चाहिए, मैं तुम लोगों को इस तरह दोबारा जमा होते ना देखूं। चलो चलो निकलो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। आजो भाई आजो, बिना वजह हम पकड़े नहीं जाएंगे। चलो चलो। दबाव बढ़ता जा रहा है, मेरे वालिद महल गए थे और अब मेरा उनसे रابطہ नहीं हो पा रहा। मेरे बाबा भी गए हैं, मेरा भी उनसे रابطہ नहीं हो सका। अब उन्होंने हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। हमारा ताकुब हो रहा है। अच्छा, सिपाही है क्या? हाँ। भागो, रुको, मैंने कहा रुक जाओ, रुको मेरी बात सुनो। चलो रुक जाओ, जल्दी चलो, चलो भाई जल्दी करो। ओ, रुक जाओ। फरार होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। पहले हमें अहमद इस्माइल को ढूंढना होगा।
सुल्तान मौजम, हम अखबार का जायजा ले रहे हैं बेटे। तहसीन पाशा को अगवा करने वाले कोई आम लोग नहीं हैं। उनका तरीका वारदात खुफिया है, शायद वो अखबारात के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हों। बस इसीलिए हम इनका जायजा ले रहे हैं। सुल्तान मौसम, वक्त बहुत कम है। उन्होंने फिर खबर भेजी है, वो अखबार में इश्तिहार को जल्द अज जल्द देखना चाहते हैं। हम इंतजार करेंगे, फिर कोई कदम उठाएंगे। जरा इस इश्तिहार को देखिए। दिखाइए। इसमें खुफिया पैगाम मौजूद है। क्या यह तहसीन पाशा के बारे में है? हो सकता है। आप इसकी तफसीर से जांच कीजिए। इस पत्ते पर जाइए, अगर ये कोई खुफिया पैगाम है तो यहां जरूर कुछ मौजूद होगा। जो आपका हुक्म। देखो डर के भाग रही है। हैं? ये कहां जा रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अल्लाह 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 अल्लाह, ये क्या हो रहा है घर में? शर्म आनी चाहिए तुम्हें बेशरम इंसान, जो रातों में ये काम करते हो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शाबाश मेरी लाइक भांजी। कसम से आप बिल्कुल ठीक कह रही है वालिदा। देखिए कितनी अच्छी तरह पिटाई कर रही है। आइंदा यहाँ नजर मत आना, वरना तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। सुना तुमने? अब ये क्या नई मुसीबत है? तो आपने पेरिस जाने का फैसला कर लिया है? हमारे पास पेरिस जाने के अलावा कोई चारा नहीं। मैं सेलानिक से पाया ये तख्त तालीम हासिल करने आया था, लेकिन देर से आने की वजह से मुझे इस तालीमी साल में दाखिला नहीं मिला, और अब मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। बदकिस्मती से आप सही कह रहे हैं इस्माइल साहब, हमने भी
ये इश्तिहार इसीलिए शाया किया था। तो क्या आप सबका पेरिस जाने का फैसला हतमी है? क्या आप वहां जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं? जी रफीक साहब, हमारा फैसला हतमी है। इस जुल्म से बचाइए हमें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपको बचाएंगे। लेकिन पहले हमें अखराजात के मसले से निमटने की जरूरत है, क्या कहते हैं आप? हमारे पास इन अखराजात के लिए रकम नहीं है तलत साहब, यही वो मसला है जिसकी वजह से हम परेशान हैं बहुत। आप लोग आजादी के मतवाले हैं और आईनी हुकूमत के लिए लड़ने को तैयार हैं, ये काफी है। हम आपकी और आप जैसे नौजवानों की जो तालीम हासिल करना चाहते हैं खुले दिल से मदद करेंगे। हम सफर के अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे और आपको वजीफा भी देंगे। आपको बस तलत साहब की बात पर अमल करना है। अब बेफिक्र हो जाइए रफीक साहब, हमें अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ है और अब माजी में होने वाले जुल्म को भी फरामोश नहीं करेंगे हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फिर आपको पहले सफर के मकसद के हवाले से कुछ कागजात पर दस्तखत करना होंगे, यानी आप बाकायदा कबूल करेंगे इसे। इसके बाद हम दीगर चीजों को संभाल लेंगे। शहजादी, हमें तवक्को नहीं थी कि आप दोबारा इतनी जल्दी मिलना चाहेंगे हमसे। मुमकिन हो तो मैं रोज मिलना चाहूंगा आपसे, लेकिन इस बार आपसे मिलने की वजह कुछ और है। उस दिन वो आदमी जो आपको पैरा में तंग कर रहा था, क्या कल आप उस आदमी से दोबारा मिली थी? नहीं, उस दिन के बाद से हम उससे नहीं मिले। आप क्यों पूछ रहे हैं? कौन है वहां? रुक जाओ फौरन, तुम ममनुआ इलाके में क्या कर रहे हो? कल रात मैंने उसे महल के गिर्द देखा था, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो भाग गया। अब तक सो रही हैं आप? चलिए उठिए। पर्दे मत हटाइए, हम कुछ देर और सोना चाहते हैं। रात में भी आप जल्दी सो गई थी और अभी भी आप सोना चाहती हैं। बस थोड़ी देर और सोएंगे। ठीक है, फिर सो जाइए। सो जाइए आप शहजादी। अगर वो दोबारा आपको परेशान करे तो आप मुझे फौरन खबर कर दीजिएगा। वो आदमी मशकूक है, अकेले मत मिलिएगा उससे। जरूर, इस बारे में खबर करने के लिए आपका शुक्रिया। आलिया, एक अच्छी खबर है। क्या हुआ? हवेली के लिए खरीदार आया है। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी कोई खरीदार मिल जाएगा। ये आम सी बात है, इतनी अच्छी हवेली कोई भी देखेगा तो उसे जरूर खरीदना चाहेगा। वो फौरी तौर पर अदायगी करना चाहता है। हम सोच रहे हैं कि हमें भी उन हिस्सों में से कुछ खरीद लेने चाहिए जो आपने खरीदे हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हमें उम्मीद है कि इस पर मुनाफा होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ी मालूमात करेंगे। हमें आप पर एतमाद है आलिया, यकीनन इस बार मुनाफा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? और अगर दोबारा नुकसान हो गया? हम आपके सामने फिर से शर्मिंदा होना नहीं चाहते। आपने मदद नहीं की तो हम खुद खरीद लेंगे। ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो चल के खरीदते हैं। तलत की वफादारी चंद धमकियों से बहाल हो गई है। उसने उन नौजवानों को राजी करने के लिए अच्छा काम किया है। उन नौजवानों ने पेरिस जाने के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। अब सिर्फ एक काम करना बाकी है सबाहद्दीन, इस खबर का दीवाने उमूमिया के अराकीन तक पहुंचाना। जब उन्हें ये मालूम होगा कि
उनके बच्चे हमारे पास हैं तो वो हमारे हाथों का खिलौना बन जाएंगे, समझे? और फिर इसके बाद ये होगा कि अब्दुल हमीद उनसे अपना मतलूबा फैसला हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। जी तो हजरत, वक्त करीब आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब अभी मुझे अपने फैसले से आगाह करें। आपकी राय किसके हक में होगी? जो भी रियासत के हक में होगा वही फैसला करेंगे। सुल्तान मौज़म को पुरसुकून रहना चाहिए, हमारा फैसला वाज़ह है। शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। रियासत आपके इस तावुन को कभी फरामोश नहीं करेगी। सुल्ताना, आपके लिए खत आया है। हमने नाइमे सुल्तान की हवेली से मुतालिक तफसीलात मंगवाई थी। नाइमे सुल्तान अपनी हवेली फरोख्त कर रही है, लेकिन नाइमे सुल्तान आखिर ऐसा क्यों करेंगी? मुझे कोई अंदाजा नहीं है सुल्ताना, हो सकता है उन्हें रकम की जरूरत हो। उन्हें इतनी बड़ी रकम की जरूरत आखिर क्यों आ पड़ी है? कोई भी इंसान अपनी खानदानी विरासत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपको सुल्तान मौज़म से बात करनी चाहिए, मुझे यकीन है कि वो इससे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। इस बारे में सुल्तान मौज़म से बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, और वैसे भी हम नाइम सुल्तान को मजीद बदगुमान नहीं करना चाहते। बेहतर यही है कि नाइम सुल्तान से साथी तौर पे बात की जाए। मुझे लगता है कि नाइम सुल्तान आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी, वो आपको कुछ बुरा कहेंगी और आपकी दिल आजारी करेंगी। तो फिर आखिर हम क्या करें? सूरत हाल को जानते हुए भी खामोशी इख्तियार कर लें क्या? बरकत हो आपके काम में। शुक्रिया जनाब। इस पे मौजूद पता आपके पीछे मौजूद इमारत का है, इस बारे में कुछ जानते हैं? मैं नहीं जानता जनाब, ये नई जगह है, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसके अंदर कोई मौजूद है? नहीं, फिलहाल यहाँ कोई मौजूद नहीं। अहमद इस्माइल साहब, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है। हमने आपके वजीफे का मामला भी हल कर दिया, और अहमद रजा साहब आपके तमाम अखराजात की अदायगी करेंगे। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, शुक्रिया आपका। आप जहाज पर सवार हो, जब दूसरे साथी पहुंचेंगे तो जहाज रवाना हो जाएगा। आपका सफर अच्छा गुजरे। शुक्रिया।
सुल्तान मौसम, सलीम पाशा के भाई, जिन्हें आप बहुत से फराइज के लायक समझते हैं, नजीब मलहम पाशा, जो कि बल्गारिया के शहजादे की कैद में है। बल्गारिया के शहजादे ने एक तकरीब के दौरान नजीब मलहम पाशा को ये उजर देते कैद कर लिया कि उन्होंने अपने सीने पे बल्गारवी निशान नहीं सजाया हुआ था। बल्गारिया से आने वाली इस अहम खुफिया मालूमात को अब तक आपसे पोशीदा रखा गया है। सबसे अहम बात, नजीब मलहम पाशा को बचाने से आप न सिर्फ एक पाशा को बचा रहे होंगे, बल्कि आप एक ऐसे गद्दार पाशा को भी गिरफ्तार कर लेंगे जो महल में छुपा बैठा है। मेरे ख्याल में आपने तो अब तक पूरा इस्तांबुल छान मारा होगा। अगर आप कमांडर को तलाश नहीं कर सके तो फिर हम भी तलाश नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, दुश्मन तो दूर की बात, हम तो एक दूसरे को भी तलाश नहीं कर पा रहे। आप कहां थे कमांडर? हम परेशान थे आपके लिए। मेरी फिक्र करना छोड़ दो उस्मान, मौत से मिलकर आ रहा हूं मैं। खैर तो है कमांडर? मैंने उनका ठिकाना तलाश कर लिया है। मगर कैसे? रास्ते में इस पर बात करेंगे। मैं जल्द से जल्द उन पर हमला आवर होना चाहता हूँ। मुसल्ला हो जाओ, हम जा रहे हैं। हमारी मईशत को आपके नकदी असासों से फायदा होगा। आप वाकई एक तुर्क दोस्त हैं। जी हाँ, मैं तुर्क दोस्त हूँ और सुल्तान अब्दुल हमीद खान का पुराना दोस्त भी। हमारे सुल्तान तुर्कों की बहादुरी और अजमत की एक जिंदा मिसाल है। दस्तखत किए जाएं। जनाब कसल, आपने जिस रकम से सरमायाकारी की है वो तुर्क बैंकों में मुंतकिल कर दी जाएगी, और अगर दीवाने अमूमिया का फैसला हमारे हक में ना हुआ तो नुकसान की तलाफी के लिए एक मुआहदा किया जाएगा। रियासत की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा। और मैं भी अपनी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं लाऊंगा वजीर आजम साहब, खुद ही दस्तखत करूंगा। लेकिन मैं उस्मानियों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं। क्या पूछना चाहते हैं? मुझे यह पूछना था कि क्या आपको इस बात का यकीन है कि दीवाने मुमिया का फैसला आपके हक में ही होगा? हमें यकीन है जनाब कसल, दस्तखत कीजिए। सुल्तान मौसम, हमें आखिरी तंबीह की गई है। उनका कहना है कि अगर हमने अखबारात में अपना फैसला बदलने का ऐलान नहीं किया तो वो तहसीन पाशा को बेदर्दी से मार डालेंगे। अशरफ अजीज साहब की तरफ से कोई खबर आई? अभी तक नहीं। सुल्तान मौसम, सब खैरियत है? अगर हमने दीवाने अमूमिया वाला फैसला ना बदला तो वो तहसीन पाशा को मार डालेंगे। मैंने दस्तखत नहीं किए, हम फैसला बदल सकते हैं। दस्तखत कीजिए। कहीं हमारे फैसले की वजह से तहसीन पाशा की जान ना चली जाए। आप दस्तखत कीजिए पाशा। जो हुकुम सुल्तान मौसम।
चलें, वक्त कम है, हमें जल्दी यह मामला हल करना है। क्या हुआ? हमारे बेटों को अगवा कर लिया गया, उन्हें पेरिस ले जाया जा रहा है। अगर हमने रियासत का साथ दिया तो हमारे बेटों को मार दिया जाएगा। क्या कार्रवाई मुकम्मल हो गई? जी सुल्तान मौसम। सुल्ताने मौज़म, दीवाने उमुमिया के नाम ये दरखास्त लिखते हुए मुझे तहसीन पाशा का ख्याल आ गया कि उन्हें किस मुश्किल का सामना था, ना चाहते हुए भी उन्हें कैसे कैसे फैसले करने पड़ते थे। ये बहुत हौसले की बात है सुल्ताने मौज़म। दुरुस्त कहा, बिल्कुल। जब आप कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं तो आपको वो फैसले भी करने पड़ते हैं जो आप करना नहीं चाहते, और उनके नताइज भी आपको भुगतने पड़ते हैं। इस वक्त हम पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है इस्माइल हक्की साहब। सुल्तान मौज़म, तहसीन पाशा को बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है, मगर हम कसल के साथ मुआहदा कर चुके हैं और दीवाने अमूमिया के नाम कर्ज में तख़फीफ की दरख्वास्त भी लिख दी है। अब क्या करें? हर एहतमाल को जहन में रखना होगा। अगर तहसीन पाशा को हम बचा ना सके तो इस मुआहदे को खत्म कर देंगे। हम अपने दोस्त को कुर्बान नहीं कर सकते। अगर कीमत चुकानी पड़ी तो हम चुकाएंगे। ये लीजिए, इस पर दस्तखत करके अपनी मोहर जब्त कीजिए और इजलास वाले कमरे में जाकर हमारे अगले हुक्म का इंतजार कीजिए। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम। वो आ रहे हैं। रशीद, मुझे यहां देख न ले, मैं जा रहा हूं। रफीक, तलत साहब, शहजादे, खैर तो है आप यहाँ? मैं अपने एक अजीज से मिलने आया हूँ यहाँ। अच्छा। दीवाने अमूमिया कमेटी के मौजूद अराकीन, हम सुल्तान मौज़म के हुक्म पर कर्ज की अदायगी वाले मामले पर नजरसानी के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि सबके सामने अपना हक राय दही इस्तेमाल कीजिए ताकि इस मामले की शफाफियत पर कोई हर्फ ना आए। आप सब अपनी राय एक कागज पर लिखकर इस डब्बे में डाल दीजिए। आप में से किसने किसके हक में राय दी है ये बात खुफिया रहेगी। हमारे बेटे इन लोगों के पास हैं, कोई और रास्ता नहीं है। सलानिक से आने वाले हैं। अच्छा। वो इस्तांबुल के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए मैं खुद उन्हें यहाँ लेने चला आया। आला। ओह, वो आ गए हैं। मैं अब चलता हूँ। आज का यह इजलास दीवाने अमूमिया और उस्मानी हुकूमत के माबैन कर्ज की अदायगी के मुआहदे के हवाले से मुनक्किद किया गया है। हुकूमत की तरफ से दोबारा से बॉन्ड की तजदीद
और कर्ज की तकफीफ की दरखास्त की गई है। हमारे 7 अरकान में से 2 को उस्मानी हुकूमत ने मुंतखब किया है और बाकी 5 सरमायाकार ममालिक के मुंतखब करदा हैं। अब खुफिया राय शुमारी के जरिए हतमी फैसले तक पहुंचा जाएगा। अब्दुल हमीद मुश्किल सूरत हाल में है, कुछ ही देर में उसको एक बड़ा धसका लगने वाला है, तुम देखना। अभी हमारा ख्याल है हमें कहीं बाहर चलना चाहिए, अच्छा रहेगा। क्यों नहीं, जरूर, मगर कहाँ जाएंगे? गोकसो चलते हैं, काफी अरसे से नहीं गए। उस दिन वो आदमी जो आपको पैरा में तंग कर रहा था, कल रात मैंने उसे महल के गिर्द देखा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो भाग गया। आप चलेंगी बाजी? हाँ ठीक है, चलेंगे हम। परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है आपको? कल हम ठीक से सो नहीं पाए, बस इसी वजह से। शायद आप भी नहीं सोई थी। सुबह काफी देर से उठी हैं आप। जी हाँ। शहजादी। जी कहिए। ठीक है, आप जा सकती हैं। सुल्तान का जवाल। नाहिमे सुल्तान को बढ़ते हुए अखराजात की वजह से अपनी हवेली बेचनी पड़ी। आपने हमारे कमरे में हवेली के कागजात देख लिए थे? हाँ हमने देखे, और आपने वो फरोख्त भी कर दी। इसका मतलब आप खुद एतराफ कर रही हैं। अब हम क्या करें? मैं अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। जो भी इस मंसूबे की नाकामी की वजह बना है, हम उससे हिसाब जरूर लेंगे। क्या कहा, तुम हिसाब लोगे? असल में तो तुम अहमकों को हिसाब देना होगा। हो सकता है ये सारा मंसूबा उस खात्मा का हो और सालिया सुल्तान को इसकी खबर भी ना हो। आलिया, खादिमा पर इस तरह इल्जाम मत लगाएं। या तो आप तहसीन पाशा को फौरी तलाश करके लाइए, या फिर आपको सहरा में वापस भेज दिया जाए। तहसीन पाशा को मैं बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगा सुल्तान महसूस।